हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के विस्तारा क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एक्सिस बैंक का एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जो कि है इन पार्टनरशिप विद विस्तारा एयरलाइंस। और इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स की बात करें तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको फ्री एयर टिकट्स मिलता है, आपको यहाँ पे फ्री में लाउंज एक्सेस मिलते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस क्रेडिट कार्ड में। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल्स में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में, और इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एंड अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई भी करना चाहते हो ना, तो इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई भी कर सकते हो, और बहुत हाई चांस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। और अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 1500 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें, जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 1500 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की बात करें, कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्ट करते हो, तो यहाँ पे जो आपको चार्ज लगेगा वो है 3.5% ऑफ योर ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ मिलता है वो है वेलकम बेनिफिट। जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो तो यहाँ पे आपको एज अ वेलकम गिफ्ट दिया जाता है एक एयर टिकट इकोनॉमी क्लास का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वही अगर आप अगले साल अपने क्रेडिट कार्ड को वापस से जब रिन्यू कराओगे तो फिर से आपको एक इकोनॉमी क्लास का एयर टिकट मिलेगा। मतलब कि जब जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को रिन्यू कराते जाओगे, आपको हर बार एक इकोनॉमी क्लास का एयर टिकट फ्री में मिलता जाएगा। लेकिन यहां पे आपको एक चीज का ध्यान देना है, जो आपको टिकट दे रहे हैं ना, यहां पे आपको टिकट का पूरा अमाउंट यहां पे आपको ये नहीं दे रहे हैं, आपको सिर्फ टिकट का बेस फेयर दे रहे हैं। जो आपको टैक्सेस एंड अदर चार्जेस लग रहे हैं ना, वो आपको यहां पे खुद से बेयर करना पड़ेगा। और जब आप टिकट बुक करोगे ना, तो यहां पे आपको अपने एक्सिस बैंक का विस्तारा क्रेडिट कार्ड ही यूज करना है, तभी आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहां पे हम बात करें तो वो है इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 200 रुपीज स्पेंड करते हो, तो फॉर एवरी 200 रुपीज स्पेंड यहां पे आपको मिलेंगे 2 क्लब विस्तारा पॉइंट। वही अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट की यहां पे हम बात करें, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक साल में 50,000 या उससे ज्यादा खर्च कर लेते हो, तो यहां पे आपको एज अ बोनस मिलेंगे 1,000 क्लब विस्तारा पॉइंट्स। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक साल में 1,25,000 खर्च कर लेते हो, तो यहां पे आपको मिलेगा एक इकोनॉमी क्लास का टिकट बिल्कुल फ्री में। वही अगर आप 2,50,000 खर्च कर लोगे, तो फिर से आपको यहां पे एक एयर टिकट मिलेगा बिल्कुल फ्री में। वही अगर आप एक साल में 6,00,000 या उससे ज्यादा खर्च कर लेते हो अपने क्रेडिट कार्ड से, तो फिर से आपको यहां पे एक एयर टिकट मिलेगा बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक साल में 6,00,000 रुपीज खर्च कर लेते हो, तो समझ लो आपको यहां पे 3 एयर टिकट तो ऐसे बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। तो देखो, कोई भी बैंक चाहती है कि आप उसे क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तो जितना ज्यादा यूज करते जाओगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहां पे हम बात करें, तो यहां पे आपको मिलते हैं 2 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस पर क्वार्टर। अगर आपको नहीं पता है कि लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है, तो अगर आप फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल करते हो, और अगर आप एयरपोर्ट में जाके लाउंज में खाना खाते हो, ड्रिंक्स लेते हो, वाईफाई यूज करते हो, या फिर रेस्टी करते हो ना, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है, तो यहां पे आप एक साल में 8 बार कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस है वो कर सकते हो। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहां पे हम बात करें, तो यहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लब विस्तारा का मेंबरशिप भी मिलता है। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि विस्तारा का क्रेडिट कार्ड है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लब विस्तारा का मेंबरशिप मिल ही जाएगा। वही अगर हम इस मेंबरशिप के बेनिफिट्स की यहां पे हम बात करें, तो आप जब भी अपना टिकट वगैरह बुक करोगे ना, तो हर बार यहां पे आपको क्लब विस्तारा पॉइंट्स मिलेंगे। और जब आपके पास पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे ना, तो आप उस पॉइंट्स का यूज करके टिकट्स भी बुक कर सकते हो, आप अपने सीट्स को अपग्रेड भी कर सकते हो, मतलब कि आप उस पॉइंट्स को बहुत जगह यूज कर सकते हो। तो यहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लब विस्तारा का भी मेंबरशिप मिलता है। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहां पे हम बात करें, तो यहां पे आपके पेट पूजा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहां पे आपको डाइनिंग डिलाइट्स का भी बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हो, तो यहां पे आपको मिलेगा अप टू 20% का डिस्काउंट। तो अगर आप जानना चाहते हो कौन से हैं वो रेस्टोरेंट जहां पे आपको अप टू 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आपके घर के बगल में कौन सा रेस्टोरेंट है जहां पे आपको अप टू 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के इंश्योरेंस बेनिफिट्स के बारे में। तो यहां पे आपको मिलता है एयर एक्सीडेंट कवर अप टू ₹2.5 करोड़। तो अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, और भगवान ना करे कि अगर आपका फ्लाइट क्रैश हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है, तो यहां पे आपके फैमिली को मिलेगा कवरेज अप टू ₹2.5 करोड़ का। वही अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के नेक्स्ट इंश्योरेंस के बेनिफिट की यहां पे हम बात करें, जो कि है परचेस प्रोटेक्शन कवर। तो यहां पे आपके बहुत सारे चीजों पे आपको परचेस प्रोटेक्शन कवरेज मिलता है अप टू ₹1,00,000 का, जैसे कि लॉस ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पे आपको कवरेज मिलता है, डिले ऑफ चेक इन बैगेज पे आपको कवरेज मिलेगा, लॉस ऑफ चेक इन बैगेज पे आपको कवरेज मिलेगा। तो इन सारी जगहों पे आपको कवरेज मिलता है अप टू ₹1,00,000 का।
अगर आप इन इंश्योरेंस बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो कि आपको ये इंश्योरेंस बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर डिटेल में इनके बारे में पढ़ सकते हो। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको ईएमआई का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है जिसकी वैल्यू 2500 या उससे ज्यादा है और आप नहीं चाहते हो कि उस अमाउंट को आप एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो। सो फाइनली अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा डील है। अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हो और अगर आपको चाहिए कि आपको एयर टिकट्स बिल्कुल कम दामों में मिले, तो यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ, ये ट्रैवलर्स प्लेजर का नंबर है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी ट्रैवल करो उससे पहले एक बार इनको कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो और बता दो कि आपको कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है, और एक बार आप इनसे रेट्स ले लो, आपको जो रेट्स मिलेंगे ना वो ट्रस्ट मी बहुत ही अमेजिंग रेट्स मिलेंगे। तो जब भी नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करो एक बार कॉल कर लो, क्या पता बहुत अच्छा डील मिल जाए। सो अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 18 ईयर से लेकर 70 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। आपका जो नेट इनकम है वो 6 लाख रुपीज पर एनम का होना चाहिए और आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है जो लगेंगे, जैसे कि आपको पैन कार्ड का कॉपी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अपना इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, अगर आप जॉब करते हो तो सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, अगर आप बिजनेसमैन हो तो यहाँ पे आपको अपना ITR देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा अपना रेसिडेंस प्रूफ। अगर आप बैंक के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड बहुत ईजिली मिल जाएगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई भी कर सकते हो। और अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहते हो तो उस क्रेडिट कार्ड का नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हम आपके लिए उस क्रेडिट कार्ड का रिव्यू वीडियो लाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।